भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम में मतभेद होने का आरोप लगाते हुए मैनेजमेंट पर कई सवाल उठाए हैं। गावस्कर ने कहा कि टीम में खिलाड़ियों के साथ मतभेद किया जा रहा है। सुनील गावस्कर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की पेरेंटल लीव पर सवाल उठाते हुए कहा कि टीम मैनेजमेंट ने भेदभाव किया है। विराट को पेरेंटल लीव की परमिशन मिल जाती है, वहीं टी नटराजन आईपीएल के दौरान ही पिता बन गए थे, लेकिन वे अब तक अपनी बेटी को नहीं देख सके हैं। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच हार चुकी है। इसके बाद कोहली को पेरेंटल लीव पे चले गए। वे जनवरी में पिता बनने वाले हैं। उनकी गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे कमान संभाल रहे हैं। गावस्कर ने कहा, रविंद्र चंद अश्विन काफी लंबे से सिर्फ अपनी योग्यता के कारण ही खेल रहे हैं। हालांकि इस दौरान बेबाकी के कारण कई बार उन पे अभद्रता भी हुई है। वहीं कुछ लोग होते हैं जो मीटिंग में सिर्फ हां में सिर हिलाते हैं। गावस्कर ने कहा, कोई भी टीम ऐसे टेस्ट बॉलर को बाहर नहीं रखना चाहेगी जिसके नाम 350 से ज्यादा विकेट होंगे, साथ ही वह 4 शतक भी लगा चुका हो। हालांकि अश्विन के साथ ऐसा होता है, वे एक मैच में फेल होते हैं तो बाहर कर दिया जाता है, जबकि बल्लेबाजों को मौके पर मौके मिलते रहते हैं। यहां हर खिलाड़ी के लिए अलग नियम है। गावस्कर ने कहा, एक और बॉलर है जिसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं, वे टी नटराजन है। वे इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वे टीम में नया है। लेफ्ट आर्म यॉर्कर स्पेशलिस्ट टी नटराजन सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। हार्दिक पांड्या ने भी अपना मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी उन्हें दे दी थी। नटराजन आईपीएल प्लेऑफ के दौरान ही पिता बन गए थे, लेकिन उन्हें सीधे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ले जाया गया था।